नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। पहले आपको चांडिल डैम, तिलैया डैम और डिमना की कई तस्वीर दिखाए। धनबाद से भी हमने डैम की कवरेज की और इस समय में हम लोग सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के सीतारामपुर डैम में हैं। स्थानीय रूप से ये बहुत फेमस है सीतारामपुर डैम, आप नाम अक्सर सुनते होंगे, इर्द गिर्द के लोग जानते हैं। लेकिन जब इसको लगभग आप लोकेशन ऐसे समझ ले कि रांची से 125 किलोमीटर जमशेदपुर है और वहां से लगभग 30-35 किलोमीटर के दूरी पर ये डैम है। लेकिन बाकी डैम से तुलना कीजिए, तिलैया डैम की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, चांडिल और डिमना की भी दिखाई थी, लेकिन उससे ये बहुत अच्छा बेहतर कंडीशन नहीं। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी गंदगी भी है और कुछ रख रखाव नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, दूर दराज है तो बहुत खूबसूरत जगह और पिकनिक के समय में लोग यहाँ आते भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए पानी तो है, पूरी काई लगी हुई, जैसे साफ सफाई जो होता है अन्य दूसरे डैम में वो नहीं के बराबर है। और आप देखिए कहीं कहीं पर दिख रहा है कि मूर्ति विसर्जन और गंदगी तो कुछ, और ये सिल्टेशन है जो हम जिस पर चढ़ करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको सिल्टेशन बोलते हैं, जो डैम में एक खास प्रकार से बॉर्डर को सजाया जाता है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका से नहीं किया गया है। पानी की स्थिति भी बहुत ज्यादा नहीं है, किसी समय में पूरा जो जमशेदपुर के बाकी हिस्से जो थे, आदितपुर, कांड्रा, गमरिया से लेकर के और जो कंपनी क्षेत्र में थी वहां से पानी सप्लाई इसी जगह से होता था। लेकिन आप स्थिति आप अंदर की भी थोड़ी सी तस्वीर देख रहे होंगे, आप अंदर की देखिए, जिसमें कुछ आपको ऐसी पेड़ नजर आ रहा होगा और उस साइड की भी आप तस्वीर देखें, कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। इधर की वो सामने वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर है, कोई बोटिंग यहाँ पर विकसित नहीं हो पाया। आमतौर पर आप देखें जितनी भी डैम है भारत में, वहां पर बोटिंग और फॉरेस्टेशन जोन भी देखिए बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है। कुछ कुछ पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे, हम थोड़ी सी और क्लोज आपको तस्वीर उधर की दिखाते हैं। जैसे हम जो आपको बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से दूसरे डैम है वैसा विकास नहीं हुआ, आप देखिए ये हमारे सामने की जो तस्वीर है, आप इसके नीचे देखिए काई और ये चीजें सीतारामपुर डैम में ऑलमोस्ट हर साइड में, हम थोड़ी सी यहाँ देखते देखिए इस प्रकार से ग्रासेज आपको ये अंदर ठीक किनारे किनारे सारी और दिखेगा, और पूरा जब डिस्टेंस ये कवर अप करेंगे हर जगह पर है, कहीं पर गंदगी वाली कपड़े हैं देखिए। तो ये आप सोचें कि डैम में जिस प्रकार से होना चाहिए था वो तो नहीं दिख रहा है, और रख रखाव भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी विकास तो हुआ है। आप तो देखते हैं कि विकास के नाम पर वोटिंग होती है। और ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट है देखिए, बहुत फेमस है, कई यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे हैं इस क्षेत्र से, तो उस लिहाज से अगर सोचा जाए तो सीतारामपुर डैम सिर्फ पिकनिक केंद्र है। अगर आप दिसंबर जनवरी के महीना में आएंगे तो लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। लेकिन इसके तुलना अगर किया जाए आप तिलैया और पंचेत बराकर के डैम से, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, या फिर चांडिल डैम से भी करिएगा, तो वो सारे बेहतर कंडीशन में है। इस क्षेत्र में विकास का मतलब क्या होता है कि जैसे जो यहाँ के लोग हैं, अगर यहाँ पर टूरिज्म को विकसित किया जाता, और देखिए पानी का आप जमाव देखिए बहुत बड़ा है, सारी कुछ है, लेकिन इसके बाद भी ये विकास नहीं कर पाया उतना जो होना चाहिए था। अपने सहयोगी दीपक पुर्ति के साथ मैं विनय सिंह, झारखंड अब तक लाइव। नमस्कार, मैं हूँ